माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं प्लांट्स लाई हूँ वो समर और रेनी सीजन में आपको फ्लावर्स देगा। तो ये चलिए देखते हैं। ये तो विंका है दोस्तों, विंका जो बहुत प्रचलित है, बहुत ही आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा विंका। तो विंका लगाइए दोस्तों, ये रेनी और समर आपको दोनों सीजन में देगा और बहुत ईजी टू ग्रो है। और ये पेरिनियल प्लांट है, सालों साल चलने वाला प्लांट है, विंका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों मोगरा, मोगरा बेली चमेली जो कहिए, इनकी एक ही तरीके से आप प्रोपोगेशन होती है। बहुत अच्छे इसमें सुगंध होते हैं, बहुत खुशबू आती है। शाम के समय ये इतने अच्छे खुशबू देते हैं दोस्तों, पूजा के थाली में ये बहुत आपको मतलब पूजा वगैरह में ये काम देता है। तो और बड़े बहुत बड़े साइज़ के हैं ये, मेरे देख सकते हैं आप कितने बड़े लग रहे हैं। तो नर्सरी से आप इसकी कहीं भी टहनी भी तोड़ के इसे लगाइए तो ये आराम से आपको फ्लावर्स देंगे और आराम से इसकी प्रोपोगेशन होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों एडेनियम, एडेनियम ये भी आपको बरसात और गर्मी दोनों टाइम में ये फ्लावर्स देगा। और एडेनियम भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल होते हैं दोस्तों, इसे भी लगाइए। नेक्स्ट चलते हैं अल्मंडा, अल्मंडा का जो फ्लावर्स होता है दोस्तों बहुत बड़ा बड़ा होता है। और अल्मंडा एक ऐसा पौधा है, इसमें कई कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो मेरे पास येलो है, मैंने येलो दिखा रहे हैं, कलियां भी इसकी बड़ी बड़ी होती है। और ये क्या है ना दोस्तों, इसे आप बुशी भी बना सकते हैं, कटिंग से अगर कटिंग करते रहे तो ये बुशी बनी रहेगी। और अगर आप अगर इसे छोड़ देते हैं तो ये मतलब क्रीपर्स प्लांट की तरह ये ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको किसी भी सहारे के साथ इसको बांध के रखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने अपने इस प्लांट्स को देखिए, ये जो अल्मंडा का प्लांट्स है इसे मैंने जो अपने ग्रिल में बांध के रखा है, ये बहुत बड़ा हो चुका है। और इसके फ्लावर्स जो है बहुत दिनों तक रहते हैं दोस्तों, ये नहीं कि एक दिन खिले और मुरझा गए, नहीं। तो ये रेनी और आपको समर दोनों टाइम में ये आपको फ्लावर्स देते हैं। तो ये पौधा भी बहुत अच्छा है, अल्मंडा कटिंग से ग्रो हो जाते हैं इसीलिए अल्मंडा प्लांट। तो आप अल्मंडा आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं गुड़हल, हिबिस्कस, ये बहुत अच्छा प्लांट होता है दोस्तों। पूजा में तो इसका काम हमेशा रहता है, कई कलर के होते हैं, रेड येलो बहुत सारे कलर के होते हैं। ये देखिए ये दो कलर के हैं इसमें। और ये भी कहीं से भी आप इसके थोड़े से कटिंग ले आइए और कटिंग से इसे आराम से ग्रो कर सकते हैं आप ये पौधा। और ये आपको गर्मी में भी देगा फूल और बरसात में भी ये फूल देगा दोस्तों। तो ये देखिए मेरे पास जो है ये गुड़हल, ये कितने सारे पेटल्स हैं, ये इसमें बहुत सारे पेटल्स होते हैं दोस्तों। और ये भी कई कलर के होते हैं, तो गुड़हल आप ज़रूर लगाइए, हिबिस्कस ये बहुत अच्छा पौधा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये है मेरे पास पर्सलिन के, और पर्सलिन का भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं। तो पर्सलिन का मैंने दो कलर दिखाया है, बहुत ईजी टू ग्रो है, कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, इसे भी आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत ढेर सारे कलर्स के आते हैं। नेक्स्ट ये है नागचंपा, इसके मैंने तुरंत कुछ दिन पहले ही वीडियो डाले हुए हैं, ये भी बहुत ईजी है लगाना और इसमें बहुत देर तक दिनों तक फ्लावर रहता है, तो ये भी लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों चांदनी, चांदनी का भी पौधा, इसमें बहुत सारे फूल्स आते हैं और इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो चांदनी का पौधा तो ज़रूर लगाइए दोस्तों, गमले में मिट्टी में कहीं लग जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों प्राइड ऑफ इंडिया, ये दोस्तों बहुत अच्छा आपका फ्लावर है और इसके भी कई कलर होते हैं, रेड पिंक वाइट। तो मेरा पिंक वाला में अभी तक फ्लावर नहीं आया, बहुत छोटा है वो, रेड वाले में आए हैं। तो ये सेकेंड बार आ रहे हैं दोस्तों फ्लावर्स, एक बार आ चुके, बहुत फ्लावर्स हुए थे, पूरे नीचे की ओर झुक गए थे और पानी बरसा जब तो और भी नीचे झुक गए, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम ओवरकम कर चुका है। और ये देखिए इसके कितने सारे कलियाँ हैं, और इसमें कलियाँ भी आती है, इसमें बीज भी बनते हैं, आप इसे कटिंग से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। और ये पौधा एक ऐसा पौधा है, बड़ा भी हो जाता है ये, तो अगर आप कटिंग करके रखेंगे इसे तो छोटे में ही आप रख सकते हैं। ग्राउंड में मैंने इसे लगाया है
तो ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब खिलता है तो पूरे ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये पौधा प्राइड ऑफ इंडिया आप ज़रूर लगाएं दोस्तों। और अगर मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद होती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। तो जय माता दी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।